कि नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास। पूर्व में जो व्यास जी ने कहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि और मैं अपने भी छोटे से अनुभव से यदि आपको कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि धाम का आश्रय ये साधनों का भी साधन है, ये परम साधन है। कि वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का आश्रय अर्थात वृंदावन धाम के आश्रय का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करते। इसका अर्थ ये कि यहाँ जो आप कर रहे हैं वो वस्तुतः आप नहीं कर रहे, वृंदावन की कृपा से हो रहा है। आप देखो दो स्थितियां हो, एक हो कि जहां पर आप कार्य कर रहे हो और दूसरी स्थिति वो जहां सहजता से कार्य हो रहा हो, तो प्रसन्नता की स्थिति क्या है? जब सहजता से कार्य हो रहा हो, क्यों करने में तो बड़ा श्रम है, करने में तो बहुत श्रम है, अंततः आप श्रमित हो जाएंगे, आपका बल अधिक होगा, थोड़ा अधिक करके हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। तो ये जो वृंदावन धाम के आश्रय की बात है इसका तात्पर्य क्या है? अब जैसे जब कभी वृंदावन शतलीला का गान करते हैं, उसका चिंतन चर्चा करते हैं, तो कहने में आता है, कहने में आता है कि भाई वृंदावन में सोने की महिमा बड़ी अधिक है। एक बार रास मंडल पर शायद हम चर्चा कर रहे थे, तो जब चर्चा पूरी हुई तो एक माता ने अपने बालक से पूछा, आज की चर्चा में क्या समझ आया? बोले वृंदावन में सोने की महिमा बहुत है, वृंदावन में सोने की महिमा बहुत है। पर वस्तुतः कहा क्या गया है कि जहां सोने की महिमा कहीं के भजन से अधिक है, वहां के भजन की क्या महिमा होगी, वहां के भजन की क्या महिमा होगी? और एक और बात महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई ये इस धाम का प्रताप है, यत्त नाम स्मृति। जब महाप्रभु कह रहे हैं क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्यहो गर्य कर्मा यत्त नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य। ये बात महाप्रभु ने किसके लिए कही? अस्मदादि जीवों के लिए गई है। तुच्छ परम अधम नीच निंदित गर्हित कर्म करने वाले प्राणी भी यहां पर आते हैं, तो धाम की महिमा से, धाम की कृपा से प्रियालाल के नाम की स्मरणा होने लगी।